थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे लखनऊ का प्रसिद्ध घंटाघर। ये देखिए घंटाघर। आइए सर, ये हमारे मित्र, इन्हीं के साथ हम आए हैं। इतनी गर्मी में ये पूरे रास्ते गाड़ी चला कर आए हैं और ये है घंटाघर। लखनऊ में स्थित घंटाघर हुसैनाबाद घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह घंटाघर इमामबाड़ा के ठीक सामने स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे इस घंटाघर की ऊंचाई 67 मीटर यानी कि 221 फीट है। इस घंटाघर का निर्माण 1887 ईस्वी में करवाया गया था। इसे रास्केल पाइने ने डिजाइन किया था। यह टावर भारत में विक्टोरियन गॉथिक शैली की वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसके निर्माण की शुरुआत नवाब नसीरुद्दीन ने 1881 ईस्वी में की थी। अवध के पहले संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कूपर के स्वागत में 1887 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। उस दिनों इस घंटाघर पर 1,74,000 रुपए की लागत लगी थी। हैरत की बात यह है कि 221 फीट इस इमारत में समर्थन के लिए कोई भी खंभा शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये है घंटाघर, देख सकते हैं आप। और अब आपको दिखा रहा हूँ मैं कैमरे पे शाही तालाब। यहाँ पर इसकी कहानी है या इसका इतिहास है कि यहाँ पर जो रानी है, वो रानी थी, वो नहाया करती थी, नहाने आती थी। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये सीधा गोमती नदी से कनेक्टेड है। तो गोमती नदी का पानी सीधा यहाँ आता है। मैं आपको लेकर के नीचे चलता हूँ और नीचे से एक व्यू लेते हैं उसके बाद। आइए सर, ये मित्र हैं हमारे, बराबर कैमरे से दूर जा रहे हैं थोड़ा, हम इनको बोल रहे हैं साथ साथ रहें हमारे। तो इसके आगे यही पानी है जो गोमती नदी से कनेक्टेड है। हुसैनाबाद के तालाब का निर्माण अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने करवाया। जिस साल बरादरी का निर्माण पूरा हुआ, उसी साल इस खूबसूरत तालाब का निर्माण भी पूरा हुआ। इस खूबसूरत तालाब के किनारे दो हमाम खाने भी बने हुए हैं, जिनमें उस जमाने में गर्म और ठंडे पानी का पूरा इंतजाम होता था। इस तालाब के स्रोत का संबंध गोमती नदी के पानी से भी है, इसलिए बरसात के दिनों में तालाब के पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इसकी जगह की खूबसूरती के महत्व को समझते हुए सन 1882 ईस्वी में अंग्रेज शासकों ने हुसैनाबाद का मशहूर घंटाघर बनवाया था। पुराने जमाने में जो मतलब आर्किटेक्चर था पुराने ज़माने का, या जो मेहनत था, वो अब देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि ये देखिए, जो पीछे घंटाघर है हमारा, उसकी भी अगर बात करें तो कहते हैं कि अभी तक पेंट नहीं हुआ है। और कब का बना हुआ है तो आप देखिए जरा सा, कि खूबसूरती लगता है कि मानो कल ही बन करके तैयार हुआ हो। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बड़े इमामबाड़ा की तरफ, वहाँ पर चलेंगे, थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर वीडियो ऑन करेंगे। पर हम और मित्र मेरे अनुज जी आपके साथ बात करें।